हेलो व्यूवर्स, क्रिकेट फैक्शन में मैं हूं आमिर जफर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2022 के लिए अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अफगानिस्तान के स्क्वाड में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन नजीबुल्लाह जरदान। फिर शामिल हैं एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हशमतुल्ला शाहिदी। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन अफसर जजई। फिर शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन हजरतुल्ला जजई। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन इब्राहिम जरदान। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन रहमानुल्ला गुरबाज। इसके बाद स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी। इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर जो कि स्क्वाड का हिस्सा हैं वो है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले अजमतुल्ला उमरजई। इसके बाद शामिल हैं बॉलिंग ऑलराउंडर राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले करीम जन्नत। फिर शामिल हैं लेग ब्रेक गूगली के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले स्टार ऑलराउंडर राशिद खान। इसके बाद स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फरीद अहमद। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फजलुल हक फारूकी। फिर शामिल हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक रमाने वाले स्पिनर मजीबुर रहमान। इसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर नवीनुल हक। और सबसे आखिर में स्क्वाड में शामिल है लेफ्ट आर्म रिस्पिनर नूर अहमद।